पार्टनर्स कमीशन। ओके, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्वेश्चन क्वेश्चन सेकंड, अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ओके, यहां पे दो पार्टनर है अमृता एंड दिव्या। देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2, दोनों का कैपिटल रेशियो यहां पे दिया हुआ है, ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट, अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, ध्यान रखना आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, फॉर्मूला नंबर सेकंड। ओके, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹96,876। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है आप देखना। पूरा क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है, बट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन के आंसर को मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। ओके स्टूडेंट, सो अंडरस्टैंड कैरफुली स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में यहां पे लिखा है कि अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ओके, आफ्टर डिडक्शन मतलब फॉर्मूला नंबर सेकंड। ओके, ध्यान रखना यही सेंटेंस से आप समझ पाओगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ओके, दिस टाइम योर फॉर्मूला स्टेप नंबर 1, अमृता's कमीशन इज इक्वल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखो लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है कि फर्म का टोटल प्रॉफिट है 96,876। ओके, एंड परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो परसेंटेज है आपके पास 8% अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन मींस 8। ओके, नेक्स्ट 96,876 इनटू 8 अपॉन 108। ओके, 96,876 इनटू 8 अपॉन 108 योर कमीशन 7176 रुपीस अमृता's कमीशन। ओके, नाउ योर फर्स्ट स्टेप क्लियर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्मूला, और फॉर्मूला की हेल्प से आपको अमृता का कमीशन लाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो कि प्रॉफिट का 96,876, तो ये जो प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट के अंदर अमृता का कमीशन 7176 इंक्लूड है। ओके, ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है, तो ये प्रॉफिट की अमाउंट के अंदर 7176 अमृता का कमीशन इंक्लूड है। तो अब हमें फर्म का नेट प्रॉफिट लाना है, तो क्या करना होगा, ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो अमाउंट में से अमृता का कमीशन माइनस करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, फर्म का प्रॉफिट लाना है। ओके, तो कमीशन माइनस करना होगा, तो आपको मिल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, योर फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट माइनस कमीशन। ओके स्टूडेंट्स, योर टोटल प्रॉफिट लास्ट सेंटेंस में लिखा है 96,876 रुपीस टोटल प्रॉफिट माइनस अमृता's कमीशन 7176 रुपीस। ओके, 96,876, ओके, जो आपका प्रॉफिट था
वो प्रॉफिट में से आपको कमीशन की अमाउंट माइनस करनी है, ओके? 96,876 माइनस 7,176, 89,700 प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट, ओके? अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म दैट कैपिटल रेशियो इज 3:2, ओके? अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? प्रॉफिट लॉस रेशियो से ना, यहाँ पे तो कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, बट आप में से मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये गलती आप मत करना, ओके? प्रॉफिट है ना, ऑलवेज प्रॉफिट लॉस रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके? मान लो कि क्वेश्चन में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ओके? तो यहाँ पे मैंने नोट लिखी हुई है, अंडरस्टैंड? इन दिस सम पार्टनर्स कैपिटल रेशियो इज गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो, बट शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो इज नॉट गिवन। पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना वो यहाँ पे दिया नहीं है, ओके? सो दैट डिविजिबल प्रॉफिट लॉस विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पार्टनर्स। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वल रेशियो से। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो मैंने आपको आगे के वीडियो में समझाया था कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो क्लैरिफिकेशन इन क्वेश्चन, no clarification in question which proportion we distributed profit loss, okay? This time we distributed profit and loss in equal proportion. Question में कोई clarification नहीं है profit loss कौन से ratio में distribute करना, तो आपको equal proportion से distribute करना है, okay? Capital ratio तो आपको capital distribute करने के लिए और आपको confuse करने के लिए दिया हुआ है, तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजन के हिसाब से आपको इक्वल प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ओके? तो आपका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन टोटल कितना हुआ? 89,700, ओके? स्टेप नंबर 3, distributions of the profit share of each partner। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दो पार्टनर दिए हुए हैं, एक अमृता है और सेकंड दिव्या। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वल प्रोपोर्शन, ओके? फर्म का टोटल प्रॉफिट है 89,700 डिवाइडेड 2। यहाँ पे दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर को प्रॉफिट लॉस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मतलब कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल रेशियो से, ओके? 44,850 एंड 850, ये दोनों का हो गया आपका प्रॉफिट, ओके? इक्वल रेशियो से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है? और स्टेप नंबर 4 एंड लास्ट सेंटेंस, what amount will be received by Amruta if profit of the year is 96,876, okay? Total amount to be received by Amruta, here first pair, your answer, Amruta's commission 7176 rupees and Amruta's total profit 44,850, okay? Share of divisible profit, sale of divisible profit 44,850 plus commission 7176, okay? 44,850 plus 7176, 52,026 rupees, okay? तो ये आपका हो गया final answer, okay? ये question को अच्छे से solve करने के लिए आपको मैंने इसका आंसर चार स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, ओके? योर फर्स्ट स्टेप, योर फॉर्मूला, फर्स्ट पॉइंट यू रिमेंबर, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, ओके?
प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, अमृतास कमीशन 7176। ओके, और आपके क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट में ऑलरेडी ये अमृता का कमीशन इंक्लूड है। तो हमने क्या किया, जो आपकी टेक्स्ट बुक में 96,876 जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में से प्रॉफिट मतलब कमीशन माइनस किया, तो कमीशन माइनस किया तो आपको मिल गया डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, और ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट यहाँ पे भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि कैपिटल रेशियो, और आप सब जानते हो कि प्रॉफिट लॉस रेशियो से ही हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। ओके, जिसके लिए मैंने आपको ये नोट भी समझा दी। ओके, तो ये 89,700 पार्टनर्स को इक्वल प्रपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट किया, और लास्ट है टोटल अमाउंट टू बी रिसीव बाय अमृता, अमृता का प्रॉफिट प्लस अमृता का कमीशन, तो अमृता की टोटल अमाउंट हो जाएगी 52,026 रुपीस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो समझाया वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके जैसा एक इलस्ट्रेशन का वीडियो बना के भेजने वाला हूँ। ओके, और ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन में आपको कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, और कैपिटल रेशियो से आप डिविजिबल प्रॉफिट नहीं कर सकते, प्रॉफिट लॉस रेशियो चाहिए। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना, और ये वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।